हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा वीडियो स्कूटर के फ्यूल मीटर से रिलेटेड होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको स्कूटर के फ्यूल मीटर से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको बताऊंगा, जिससे कि फ्यूचर में कभी भी आपके साथ अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ऐसा प्रॉब्लम आपको बताऊंगा जो कि मेरे साथ हुआ था और मैं काफ़ी परेशान रहा था उसके पीछे। और मैं यहाँ तक कि मैं सर्विस सेंटर भी इसको लेके गया तो वहाँ भी इसका प्रॉब्लम का कोई सॉर्ट आउट मुझे नहीं मिल पाया था। तो वहाँ भी मुझे इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया और सीधा ही कहा गया कि इसमें जो फ्यूल मीटर फ्लोट सेंसर होता है वो आपका ख़राब हो गया होगा, इस वजह से होगा, ऐसा मुझे कहा गया था। तो उस टाइम अवेलेबल भी नहीं था वहाँ पे सर्विस सेंटर में, तो मैं फिर घर आ गया। तो काफ़ी टाइम मैंने ऐसे ही चलाया। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम हो क्या रहा था। तो अभी इसमें जो फ्यूल मीटर है वो ये वाला है, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं। तो अभी जब मैं ऑन करूँगा तो ये फ्यूल मीटर अभी मेरा सही है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो निडिल था वो एक जगह स्थिर नहीं रहता था, कभी एकदम से यहाँ कम हो जाता था और कभी ज़्यादा हो जाता था, और कभी कभी तो ये जो निडिल है ये दाएं बाएं होता ही रहता था। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम का कुछ पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि अगर मीटर एकदम से ही बंद हो जाता है तब तो कुछ पता चलता भी है कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है फ्लोट सेंसर हो सकता है ख़राब हो गया, या फिर कहीं वायर कट हो गया होगा उस वजह से हो सकता है, या फिर आपके बाइक का आपके स्कूटर का जो फ्यूज है वो उड़ गया हो उस वजह से भी हो सकता है। और फ्यूल के बारे में ये सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था तो मैं काफ़ी परेशान रहा। फिर मैंने खुद से ही स्कूटर को खोला पूरा, इसका जो वायर पीछे टैंक में गया हुआ है, यहाँ से जो वायर गया हुआ है पीछे टैंक में जहाँ से फ्लोट सेंसर काम करता है आपका, तो उस बीच में एक सॉकेट आपको मिलेगा, वो वाला जो सॉकेट था लूज़ हो गया था, इस वजह से ही ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा वो सॉकेट कहाँ है और वो किस तरह से लूज़ हुआ था। तो लूज़ होने के कारण ही वो जब भी मेरा जो स्कूटर है वो चलता होगा तो वो हल्का सा छोड़ता होगा, फिर लगता होगा, इस तरह से हो रहा होगा, इस वजह से ही ये एकदम से कांस्टेंट नहीं हो पा रहा था, ये कभी दाएं जाता था कभी बाएं जाता था। तो मैं अभी वो वाला सॉकेट दिखाता हूँ और भी इसमें जो जो प्रॉब्लम आ सकता है आपके साथ उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा अभी। तो वो जो सेंसर आपको मिलेगा वो इस वाले पैनल के नीचे मिलेगा, आपको याद होगा मैंने करीब 2 वीडियो LED स्ट्रिप पे बनाया है, और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो एक सॉकेट था इस तरह से जिसमें काफ़ी सारा कनेक्शन आया हुआ था, उसके ठीक बगल में ही वो आपको सॉकेट मिलेगा। तो उसके लिए मैं ये वाला पैनल पहले खोल लेता हूँ, और इसको मैंने उस वीडियो में आपको अच्छे से इसको ओपन करके दिखाया है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देखें अगर आपको इस पैनल को कहीं भी रिमूव करने में प्रॉब्लम आता है। तो मैं फटाफट इसको पहले रिमूव कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। तो मैं इस वाले सॉकेट की बात कर रहा था, ये जो आप देख रहे हैं ये सॉकेट जो मेरे साथ हुआ था, ये जो सॉकेट है इसको मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये सॉकेट सही ढंग से लगा नहीं था, इस वजह से ही हो रहा था ऐसा, फिर मैंने इस सॉकेट को अच्छे से लगा दिया तो फिर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। तो कहने का मतलब है कि कभी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता है कि जो निडिल है आपका वो फ्लैक्चुएट करता है कभी दाएँ कभी बाएँ, तो उस केस में आपका जो भी आपका स्कूटर है उसमें ज़रूर एक सॉकेट होगा बीच में, वो आपका सॉकेट ढीला हो गया होगा, इस वजह से ही ऐसा होता है। अब दूसरा प्रॉब्लम होता है कि मीटर बिल्कुल ही बंद हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करें। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि ये वाला जो है ये मेन सप्लाई है, ये वाला जो सॉकेट है इस तरफ का जो इधर गया हुआ है मीटर पर, और ये वाला जो सॉकेट है ये जो फ्लोट सेंसर है टैंक के अंदर जो होता है उसका ही ये वायर है। तो जब आपका मीटर एकदम से बंद हो जाता है तो सबसे पहले तो आपको फ्यूज़ वाला जो प्रॉब्लम उसको चेक करना है, तो उस केस में आप लाइट वाइट जला के देख लें, अगर आपका लाइट जल रहा है बाकी सारा फंक्शन काम कर रहा है जैसे हॉर्न है तो उस केस में आपका फ्यूज़ सही है। तो अगर आपका फ्यूल मीटर अगर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मतलब बंद है
तो फ्यूज़ वाला तो मैंने आपको बताया ही, तो फ्यूज़ वाला भी अगर चेक करनी है तो इस तरह से सॉकेट को खोल लेना, ठीक है, ये वाला सॉकेट है, और इस वाले में इस वाले को कुछ नहीं करना है, और ये जो मेन सप्लाई आ रहा है इधर से जो मीटर में गया हुआ है लाइट, उस वाले सॉकेट में एक वायर इस तरह से लेना है और दोनों सॉकेट में इस तरह से डालना है, और जैसे ये डालेंगे अगर आपका जो मीटर है वो अगर उठने लगेगा, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी तो जैसे अभी आप देख सकते हैं मीटर चालू हो गया है, यहाँ पे पूरी तरह से कम्प्लीटली ये ऊपर की तरफ आ गया है। तो इस केस में आपका जो वो फ्लोट सेंसर है वो ख़राब हो जाता है, इस कारण ही ऐसा होता है। अगर आपका ये फ्लोट मीटर ख़राब है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो ये भी मैं बता देता हूँ, ये आपको कहाँ पे कहाँ से आपको इसको रिमूव करना है और कहाँ पे ये मिलेगा आपको। तो उसके लिए आपको ये वाला जो सीट है इसको आपको रिमूव करना होगा। इसको भी मैंने आपको पहले भी करके दिखाया है, इसको रिमूव करके, ये जो सीट है ये पूरा ही ये इसके नीचे आपको मिलेगा। तो मैंने ये जितना भी इधर स्क्रू वगैरह था वो सारा मैंने खोल रखा है, तो मैं इसको अब रिमूव कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इसको रिमूव करने के बाद अब ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं यही है वो जो अंदर साइड में रहता है, हमारा जो सेंसर है फ्यूल फ्लोट सेंसर जो है। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको ये जो रबड़ का आप देख रहे हैं इसको पहले आपको हटाना है यहाँ से, इस रबड़ ये रबड़ जैसा जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर जो सील है इसको निकालना है। इसको निकाल के नीचे साइड आपको कर लेना है, आराम से करना है, ये बिल्कुल स्क्रू के तरह ही है। बस इसको खोलने के लिए आपको जो फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर होता है उसका यूज़ करेंगे हम, और एक हैमर का, और इसको ये जो यहाँ पे ये होल्ड किए हुए है जो होल्डर है इससे इसको निकाल लेना है इस तरफ करके। तो इसको रिमूव करने के लिए आपको इस तरह का एक स्क्रू ड्राइवर का आप यूज़ कर सकते हैं जो फ्लैट वाला रहता है, और एक हैमर का, और इस पे जहाँ भी आपको ये वाला जो पोर्शन दिखता है यहाँ पे बैठा के इसको, और ये इस तरह से खुल जाता है। और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे इस तरह से, तो देखिए दोस्तों यही वाला है फ्लोट सेंसर जो कि पेट्रोल टैंक में रहता है। यही वाला ख़राब होने के वजह से आपका जो मीटर है वो काम नहीं करता है। अगर ये सही है तो एक और भी कारण हो सकता है कि आपका जो वायर है मतलब इससे जो गया हुआ जितना भी वायर है वो कहीं भी अगर आपका कट हो जाता है या कभी चूहा ही खा गया उसको, तो उस कारण भी होता है। पूरा सेट ही आता है ये, वहाँ से जो मैंने सॉकेट खोला था इस साइड वाला ये पूरा सेट ही आता है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। तो फिलहाल तो मेरा सही है, तो मैं इसको इसमें ही डाल देता हूँ फिर से। इसमें यहाँ दो वायर रहता है, एक ग्राउंड है और एक पॉजिटिव है, ग्रीन वाला जो है ग्राउंड है। तो इसको मैं फिर से डाल देता हूँ इसमें, जैसे हमने लगाया था, जैसे हमने निकाला था वैसे ही इसको लगा देना है। लगा के और फिर इसके ऊपर जो ये इसको उसी तरह से टाइट कर लेना है। तो यहाँ इसको इस तरह से लगाने के बाद पहले हाथ से इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे, फिर हम उसी तरह स्क्रू ड्राइवर और हैमर का यूज़ करेंगे इसको टाइट करने के लिए।
ये बिल्कुल टाइट हो गया है, और इसका जो कैप है, जो सील है, डस्ट सील, उसको हम लगा देंगे इस पर। दोस्तों, इस तरह से अगर आपके स्कूटर में अगर कभी भी फ्यूल मीटर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आता है, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम बस यही होता है, या तो आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये जो फ्लॉट सेंसर, वो ख़राब हो जाता है, या फिर आपके आपका फ्यूल जोड़ने के वजह से होता है। तो उस केस में तो आपका कुछ भी काम नहीं करेगा। बाकी आपको इधर मैंने सारा कुछ बता दिया है, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि हो सकता है कि वायर भी कटने के कारण ऐसा होता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।